ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾ ਹੁਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਐਸ ਇਫ ਆਈ ਸ਼ਾਊਟ ਅ ਲੋਟ ਐਂਡ ਆਈ ਸਕ੍ਰੀਮ ਅ ਲੋਟ ਬਟ ਉਸੇ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਡੂਇੰਗ ਫਿਲਮਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਨ ਦਿਮਾਗ ਕਹੀਂ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਦ ਕਿਡਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ Very obviously. obviously, he was very sweet. कोई चिल्ला पुकार नहीं था. बहुत प्यारे थे. Sir is very calm. Like what you see on screen, वैसे नहीं है मुझे. अच्छा सनी. Okay, सनी जी अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हैं आप? अभी हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं. I think Ghayal once again के बारे में रहे तो बेटर है. तो मैं चाहता हूँ अपने बेटे के बारे में बात करूं पर आज नहीं फिर मेरे को कोई नहीं देखता मुश्किल ये हो जाती है कि मैं जो दूसरों से करवाना चाहता हूँ वो खुद से करवाने में मुझे दिक्कत होती थी लेकिन मैंने जैसे कहा टीम बहुत अच्छी थी तो वो टीम के साथ मैं कर पाया जो करना चाह रहा था खबरें तो बहुत कुछ थी लेकिन वो है नहीं शी इज नॉट देयर इन दिस फिल्म ये चारों देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फिल्म पहली वाली जो थी दैट वाज पोर्ट्रेट अजय मेहरा व्हेन ही वाज 25 27 जो उसकी उम्र थी उस वक्त एंड ही वाज अ यंगस्टर तो उस वक्त की जो उस सिचुएशन थी तो द फिल्म वाज मेड विद His problems in life, his family और चीज़ें इससे बिछड़ रही हैं अब मैंने लिया है कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा सो डेफिनेटली आई बीन बेसिकली मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं इस फिल्म में 2015 को दिखाऊं और जो हम हैं आज और अगर अजय मेहरा है इस सोसाइटी में तो वो इस तरह से होगा चारों ही बच्चे लोगों से मैं पूछना चाहूँगी जो हैं यहाँ पर यंगस्टर्स ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट कर रहा और बहुत ही काम रहे कभी कोई सनी को गुस्सा आया हो और आप लोगों ने वो झेला और आप लोग डर गए हो क्योंकि सनी देओल की आवाज ही काफी होती है नहीं आप एज समबडी सेड कि सो बिल्कुल अपोजिट है ही इज वेरी काम एंड ही इज वेरी पेशेंट बट आई अग्री विद यू डायरेक्टर समटाइम्स टेंड टू लूज देयर कूल बट सर को पता था दैट अगर मुझे बच्चों के साथ काम करना है आई विल हैव टू हैव पेशेंस एंड There's never been any ruckus or any hush-hush situation on the sets. He's always been cool and calm. The most important thing, sir, like the way he explained us everything was superb. So, unka jo direction, like hum log ko to like lots of things we have learned from him. To be honest, it's a perfect way to start our career. मतलब आप लोगों का कहना है कि जानकर बड़ी शांति थी क्योंकि नहीं पता था कि मैं अगर जोर से आवाज भी करूँ तो आप लोग डर जाएंगे. No, वैसा नहीं है. गलत मत समझिए. Just Honestly, it was very surprising क्योंकि वो पूरे सेट पे सबसे काम होते थे एंड ही वॉज ऑब्वियसली बींग अ डायरेक्टर ही वॉज द मोस्ट पैशनेट अबाउट द फिल्म तो फॉर अ पर्सन टू बी सो पैशनेट एंड स्टिल रिमेन सो काम आई मीन आई वॉज जस्ट लर्निंग फ्रॉम वॉचिंग हिम बी लाइक दैट सनी आपसे सवाल करना चाहेंगे सनी पहली जो घायल देखी गई उसमें तमिल ड्रामा था साथ ही रोमांस था गाने बहुत अच्छे थे एक्शन था क्या इस फिल्म में भी वो सारी चीजें देखने को मिलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोमोज में हमें वो रोमांटिक सीन्स नहीं नजर आया जब वो होता तो मैं उसका रीमेक कर रहा होता ना बिल्कुल सो मैं रीमेक नहीं कर रहा हूँ जैसे मैंने कहा कि मैं ये पकड़ रहा हूँ कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा क्या उसकी सिचुएशन होगी इन द सोसाइटी आई जस्ट से कि मैं इतने सालों में आई बीन ऑब्जर्विंग यू या फिर लोग कहेंगे कि आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो बट यू आर द मोस्ट काम पर्सन आई फील लाइक यू नो स्टिल वेरी डाउन टू अर्थ एज ए लाइक न्यू कमर हो तो डेफिनेटली दैट कम्स रियली ऑन द स्क्रीन पर मतलब आप टोटली डिफरेंट हो जाते हो तो आई रियली डोंट फील लाइक दैट यू माइट बी अ स्ट्रिक्ट पर्सन इन फैक्ट लाइक यू नो दैट्स व्हाट आई ट्राई आई एम फीलिंग व्हाट हैव टू से अबाउट दिस थिंग लाइक व्हाट कीप्स यू नहीं व्हाट कीप्स मी आई डोंट नो I really don't know. That's the way I am. I just basically, I love work. And I want to enjoy my work. And I want the work to be brought across the in a right way. Or, janta tak pahunchun, sab logo tak pahunchun. Or, because knowing unknowingly, jab se maine shuru kiya hai, jo filmein ki hain, wo logon ke dil mein abhi tak hain, kyunki
उसमें कुछ सच्चाई थी, कुछ कैरेक्टर्स अच्छे थे, रियल थे, और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इतने लोग उसके बारे में कहेंगे या इतना सक्सेस होगा, मुझे कुछ नहीं पता था. सो दैट्स द वे आई हैव बीन एंड दैट्स द वे आई वांट टू कैरी ऑन बिकॉज दैट्स व्हाट आई लव एंड रादर डू समथिंग व्हाट आई लव देन डू समथिंग व्हाट आई एम नॉट. सनी से यहाँ पर फिल्म में एक ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पर लोकल ट्रेन आ रही है और आपकी कार वहाँ से टकराते हुए जा रही है, तो वो सीन करने में कितनी डिफिकल्टी हुई थी आपको? देखिए क्या, दैट्स व्हाई वी हैव कॉल देम, वी हैव एक्शन, वी हैव एक्शन कोऑर्डिनेटर्स, वी हैव स्पेशल इफेक्ट गाइस, तो वो सब डिफिकल्टी होती है कि उस सीक्वेंस को कटने में हमें कम से कम हफ्ते या 10 दिन लगे थे टू ऑर्गेनाइज इट and to get it to that perfection because sab cheeze ek sath ki thi hum logon ne, and eventually it's just one shot and it happened. Okay sir, aur future mein aapki koi apni film ka dobara remake jaise ghayal ko aap lekar aaye aur koi aur film ko dobara parde pe utarna chahenge apni filmon mein se? Dekhiye is film ke upar hai, agar ye film mujhe laga ki main maine genuinely I could reach out to the people and I have justified it, then definitely I have got quite a lot of film jin mein characters bahut interesting the. So that'll give me encouragement to bring them across, and aap logo bhi samajh mein aa jayega ki main sirf for the sake of it nahi karunga, as long as I can get the soul to it. Sunny sir, hello. Congratulations for the promo. It's very like brilliant promo. And aapne bachchon ke saath kaam kiya, jabki hamare yahan bahut kam log bachchon ke saath kaam karne ke liye ya youngster ya teenagers par base ye hai sir bhi hila rahe hain. Bahut kam filmein banti hain. Aapko kya wajah lagti hai? क्यों लोग बचते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है क्या, आजकल वी आर ऑल बिकम वेरी कमर्शियल एंड हर चीज बेसिकली डिपेंड्स ऑन कितना पैसा आएगा, कितना बनेगा, उस हिसाब से चीजें बन रही हैं. कोई उस हिसाब से नहीं बन रही है कि मुझे ये कहानी पसंद है, आई वांट दिस टू बी मेड, बिकॉज वो ले कहानी पसंद उसे हो और लेकर जाएगा कि उसने बनानी नहीं, जब तक एक्स वाई जेड आर नॉट देयर इन इट, और फिर बाकी और चीजें ना हो, देन द स्टूडियो विल वांट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टू बी एडेड ऑन टू इट, तो क्रिएटिविटी खत्म हो गई है. तो इसी वजह से बच्चों की फिल्में या कुछ इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं. लेकिन बट आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग सिनेमा टू मच, बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ यंगस्टर फिल्म्स कमिंग आउट, इफ यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम श्योर देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ देम कमिंग आउट. और उसके अलावा भी हम बूढ़े होकर भी हम लोग फिर भी टीनेज फिल्म करते हैं. तो टीनेज तो कभी जाता नहीं है. सनी सर, तस्वीरें लीक भी हुई थी जब बैक रोड पे आप शूट वगैरह कर रहे थे, तो उन चीजों को कैसे आप ले रहे थे, क्योंकि आपकी कई तस्वीरें लोखंडवाला बैक रोड से? अभी देखिए इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज कितना मैं कोशिश करूं, जैसे हम लोग गाड़ी में भी जा रहे होते हैं तो कोई ना तो कोई आ जाता है बाजू में और फोटो खींच लेता है, एंड कुछ नहीं कर सकते आप. तो दिस इज द सोसाइटी, दिस इज हाउ वी आर लिविंग टुडे, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड विद इट, देन फाइट अबाउट इट एंड क्रिब अबाउट इट. एंड प्रमोशन पे आप किस तरीके से ध्यान देने, मतलब एग्जैक्टली क्या होगा आपका? अभी आप मेरी टीम है, आप लोगों के साथ मैं बैठूंगा, कोशिश करूंगा क्या मुझे करना चाहिए, मैं वैसे ही लेके जाऊंगा, बिकॉज मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, और मैं चाहूंगा कि वो मेहनत आजकल जनता को स्क्रीन पर लाने के लिए बहुत जरूरी है, और दैट इज नॉट क्रिएटिव, बट वील ट्राई डू सम क्रिएटिव अबाउट इट. सनी सर इधर. सनी सर, जिस तरह का माहौल आजकल देश में चल रहा है, और आपने कहा कि आपकी जो फिल्म का लाइनअप है वो सिस्टम के खिलाफ है, तो आपको लगता है कि जो एक आम आदमी होता है वो आपके अंदर एक अक्स देखता है अपना, इसीलिए फिल्में आपकी पास में चली और ये फिल्म में उस एक रीजन होगा वो चलने का? इट्स बेसिकली जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, दे हैव बीन बेसिकली उस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं, और ये फिल्म ये सिस्टम से कुछ लेन देन नहीं है, जस्ट बेसिकली टू डू विद अस आवरसेल्व्स. हम हर फैमिली, हर तरह की फैमिलीज होती हैं, सो मैंने इस फिल्म में अलग अलग तरह की फैमिलीज को पकड़कर और सबका एक सोर पॉइंट पकड़ के फिर मैं आके लेकर गया हूँ. बेस्ट इज लेट द फिल्म रिलीज ना, फिर मैं मुझे भी पता चलेगा कि मैं पहुँच पाया आप लोगों तक या नहीं. सनी जी, क्या आपके पापा जी ने फिल्म देखी है और उनका क्या रिएक्शन? पापा ने थोड़ी बहुत देखी है, पूरी नहीं देखी, क्योंकि कम्प्लीटली रेडी भी नहीं है अभी, और मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा टिल हैव ऑल माई स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग रेडी, तब दिखाऊंगा. और आई एम श्योर पापा हैज ऑलवेज लव्ड व्हाटएवर आई हैव डन, इवन इफ इट्स नॉट गुड. हाँ जी, देर इज सोहा इन दिस फिल्म, शी इज देयर, डेफिनेटली देयर, बट इट इज नॉट, सी द
ये कहानी आप लोग बोलते कुछ इस तरह की कहानी क्यों नहीं बनाते, तो ये कहानी को अप्रिशिएट कीजिए जब आएगी, फिर मुझे पूछिएगा क्यों नहीं है और क्यों है और क्या है. सनी, डू यू नॉट लुक इनटू सम इनपुट्स फ्रॉम पापा? Have you gone ahead and asked him something? I'm born in that house, so from birth onwards, there's been a lot of inputs in coming in, which one doesn't have to ask. I've grown up like that. Yeah, pertaining to this. I'm full with inputs. Oh my God. Okay, guys. I think any more questions? The last question, anybody? I think that's a wrap. Thank you so much, bhaiya. First and all, happy Diwali to all of you all, and wish everybody all the best, all the viewers jo dekh rahe hain, and bas yehi keh raha hu ki for me Diwali is bringing my promo out, and then in Jan I'll see you all again. Thank you. Photo up, guys. एक वीडियो के लिए खाली बस खाली बस खाली बस